सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में और एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेली रूटीन का वीडियो बना रहे हैं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है मेरी, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सुबह में बच्चों का टिफ़न बनाना पड़ता है, सुबह सुबह 6:30 बजे उठ के। तो बच्चों के टिफ़न का मैं रोटी नहीं तो चपाती बनाती हूँ, आज मैं चपाती बना रही हूँ। और इसमें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह उतना बात नहीं कर पाऊँगी, या बच्चों को भी चिल्लाना पड़ता है। चिल्लाना मतलब उनको भगत तो उठता ही नहीं है, तो उसको उठाना पड़ता है, बीच बीच में भगत उठो उठो करना पड़ता है। तो उसकी वजह से मैंने वॉइस ओवर किया है, नहीं तो बच्चों को इधर से किचन से मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। इसीलिए तो मैंने आटा गूंद लिया है, उसको तेल लगाया थोड़ा सा, और अभी मैं उसको थोड़ा सा फूलने के लिए 5-10 मिनट के लिए रखूँगी ढक के, और उसके बाद मैं सब्ज़ी बना के ले लूँगी। तो सब्ज़ी में मैंने लिया है बैंगन, काट के लिया है। बहुत भागदौड़ होती है सुबह सुबह, तो इसी तरह जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आज तो वीडियो भी बनाया मैंने, तो वीडियो बनाते समय मैं सब कुछ सेट करना पड़ता है। एक तो मेरा किचन छोटा है, वहाँ पे स्टैंड रखने के लिए छोटा स्टैंड है 3/4, तो वही रखने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। किचन कटा बहुत बहुत ही छोटा है, उसके कारण मैं कहाँ रखूँ और कैसे करूँ पता नहीं चलता है। मैं बच्चों को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने उठ के रेडी होना उतना ही मेरे लिए बहुत है, तो उठ के रेडी होना पड़ता है। इसलिए ये सब कुछ मैं अकेला कर रही थी और मैं अकेले ही करूँगी, उनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने तेल लिया था, उसमें तेल में गर्म होने के बाद सरसों और थोड़ा सा जीरा और कड़ी पत्ता डाला है, और उसके बाद मैंने उसमें डाला है लहसुन कुटा हुआ है थोड़ा और मोटा मोटा रखा है, और उसमें डाला है प्याज, और मैंने टमाटर नहीं डाला हुआ है क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मैंने वो स्किप किया है। टमाटर की जगह डाला है मैंने इमली क्योंकि खट्टापन थोड़ा होना ज़रूरी होता है। बाद में मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर ये डाला है, थोड़ा धनिया पाउडर भी डाला है मैंने उसमें। फिर इस ऐसे सूखी सूखी सब्जी चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने ऐसी बनाई। सब्जी भी हो चुकी है और अभी भी आटा भी फूल चुका है, तो मैंने लिया चपाती बनाने के लिए। चपाती मैंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों का टिफ़न के लिए और उनका नाश्ते के लिए जितना चाहिए उतना ही बना के लेती हूँ, और कभी टाइम मिलता है तो मैं सभी चपाती या रोटी बना के ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितनी चपाती चाहिए बच्चों को टिफ़न को और खाने के लिए उतनी ही बनाई है। सभी एक साथ मैं ये करती हूँ, बेलती हूँ और उसके ऊपर तेल लगा के उसमें थोड़ा सा आटा डाल के सब कुछ गोला बना के रख देती हूँ। जल्दी जल्दी होता है ना, उसकी वजह से वैसे करती हूँ मैं। तो उसमें थोड़ा थोड़ा आटा भी डालती हूँ मैं, चपाती फूल के आती है या अच्छी होती है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने चपाती सब कुछ गोला बना के लिया है, और मैं यहाँ पे आपको दो चपाती बना के दिखाऊंगी कि इस तरह से मैं चपाती बनाती हूँ। आप जैसे कि देख रहे हो कि मैं किचन कट्टा के ऊपर चपाती बेल रही हूँ, आप भी इसी तरह से किचन कट्टा के ऊपर चपाती बेलोगे तो बहुत ही अच्छा और जल्दी बन जाएगा, बहुत सुंदर चपाती बन जाता है, और आपको जैसे हाथ हिलाना है वैसे आप वहाँ पे अच्छे से हिला पाओगे। भगत को चपाती बहुत ही पसंद है, भगत जल्दी नहीं उठता है, वो 7:45 बजे 7:30 बजे ही उठता है, उसको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बस उठता है, ब्रश करता है, फ्रेश होके रेडी होके उतना ही आता है, वो जाने तक उसको चिल्लाना ही पड़ता है, पता नहीं उसका नींद कब ख़त्म होगा। नियासा तो मेरे साथ ही उठती है और वो मुझे थोड़ा बहुत हेल्प करती है, खुद का करती है काम, दूध वगैरह लेके आती है दुकान से, उससे जितना बन सके वो मुझे हेल्प करती है सुबह सुबह। तो इसी तरह से आज मैंने कैसे वैसे ब्लॉग बनाने की सोची और वो सक्सेसफुल भी हुआ कि अच्छा हुआ मेरा ब्लॉग तो बन चुका है, तो आपके साथ मैं शेयर कर पाई। तो
यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सी रोटी बन चुकी है चपाती। तो मैंने रोटी चपाती बीच बीच में रोटी का नाम मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन मैंने दो चपाती यहाँ पे आपको दिखाया है। रोटी बनने के बाद मुझे बहुत सारा काम है, न्यासा का बाल बनाना है, बच्चों को खाने के लिए देना है नाश्ता, तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मेरी वाली चपाती मैं नहीं बनाती हूँ, मैं लास्ट में रख देती हूँ, और मुझे चपाती चाहिए तो बाद में मैं बना के खाती हूँ, बच्चों को छोड़ के आने के बाद ही वो सब कुछ करती हूँ। आप ये चपाती विदाउट तेल भी बना सकते हो, लेकिन आपको तेल चाहिए तो आप तेल लगा सकते हो। बिना तेल की चपाती बनाओगे तो भी बहुत टेस्टी और अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैं बच्चों के अभी टिफिन भरने के लिए लिया है। 3 डब्बे वाला न्यासा का टिफिन है और दो दो डब्बे वाला भगत का है। तो शॉर्ट ब्रेक भी डालना पड़ता है, बीच में उनको कुछ तो खाने के लिए चाहिए होता है। तो भगत का डब्बे में कभी कभी मैं नहीं डाल पाती हूँ, साइड में डब्बा एक और एक डब्बा डालती हूँ। और चपाती के अंदर कुछ बैठेगा तो मैं चपाती के अंदर भी एडजस्ट करके उसको भेज देती हूँ, वो खाता है, कैसे भी मिक्स हो जाए वो खाता है। लेकिन न्यासा बहुत ये रहती है, उसको सब कुछ अलग अलग चाहिए होता है। आपको तो पता ही है बच्चों को स्कूल भेजना मतलब कितना भागदौड़ होता है, टिफ़िन बना के देना ही देना है, तो उनके लिए सब कुछ भागदौड़ होती है, तो बीच में दूसरा काम कुछ नहीं होता है। और इनको बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पहले नहीं पसंद करते थे, लेकिन अभी मैंने उनको मतलब जो भी सब्ज़ी है टेस्ट करना ही करना करके उनको बोला है, तब से अभी बैंगन की सब्ज़ी उन्होंने बहुत मतलब प्यार से खाते हैं। अभी पहले सिर्फ लगा लगा के चपाती को उसका जितना भी ग्रेवी है उतना लगा कर खाते थे, लेकिन अभी पूरा ख़त्म करते हैं। भगत को डेली बोर्नविटा ही चाहिए दूध के साथ, तो उसको बोर्नविटा बिना दूध पीने के लिए नहीं होता है, बोलता है कि कड़वाहट लग रही है दूध में, नहीं चाहिए बोलता है। एक दिन छोड़ता है, 2 दिन छोड़ता है, तीसरे दिन बोलता है दूध दे दो, ऐसा है उसका, इसलिए उसको बोर्नविटा ही डालना पड़ता है। खाने के वक्त भी उसके पीछे पड़ना पड़ता है हमें कि जल्दी खाओ जल्दी खाओ। अभी उसको नाश्ता देके खाना देके वहाँ पे बिठाया है, और न्यासा ख़त्म करके मेरे पास आके बैठी, उसका मैं अभी बोनी डाल रही हूँ। वो अपना सभी काम करती है न्यासा, लेकिन बोनी डालना उतना उसको नहीं आता है, तो वो भी है, उसको मैं बोनी डालने के लिए लास्ट में बैठ जाती हूँ। और उसका भगत का तो बाहर जाने तक ख़त्म नहीं होता है, हम बाहर रास्ते पे खड़े होते तब भी वो स्कूल का बैग लेके नहीं आता है, ऐसे डेली चलते। मैं पहनती हूँ मेरा चश्मा, मैंने डोर को मेरा की लगाया है, और मैंने गाड़ी को भी की लगाया है। अभी जाती हूँ छोड़ने के लिए, हो गया, चलो बंद करो। चल हुआ कि नहीं तेरा भगत, ऐसे ही करना तो भगत ऐसे ही करना। चल देख सभी बच्चे गए, चलो जल्दी जल्दी। तो अभी मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ। तो मैं अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आई। सुबह बहुत भागदौड़ होती है, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, टिफिन बनाना, उनको दूध देना, उनका नाश्ता करवाना, ये सब कुछ हो जाता है, तो बहुत भागदौड़ होती है। आज मैंने कैसे कैसे वीडियो बनाई, तो अब मैं यही वीडियो एंड करने वाली हूँ। अभी मैं स्कूल छोड़ के आई, ये देखिए, ये मेरी वाली चपाती बननी बाकी है, और सब्जी तो बन चुकी है, मैंने चाय अभी तक पी नहीं है, अभी चाय पीऊँगी, और बाकी का बचा हुआ काम मैं आगे बाद में आराम से करूँगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ।